196 पूर्व सरपंच नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली से सेनापति प्रमाण पत्र से होंगे वंचित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रीवा जिला पंचायत द्वारा जारी किया गया आदेश। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रीवा जिला पंचायत के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली शेष होने के चलते अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएंगे और इसी वजह से 196 पूर्व सरपंच चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर वसूली अधिरोपित है, जिसमें 83 ग्राम पंचायतों में धारा 80 व 92 तहत पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं सचिव दोनों पर ही नियमानुसार वसूली अधिरोपित है। जब तक वसूली की संपूर्ण राशि शासन के खाते में जमा नहीं की जाती, तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। 11 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध न्यायालय कलेक्टर के यहाँ धारा 89 के तहत वसूली प्रकरण चल रहे हैं तथा 19 पूर्व सरपंचों के ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वसूली के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं, जिसके कारण सभी 196 पूर्व पंचायत निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अनापत्ति शासन के नियमानुसार जारी किया जाना संभव नहीं है। जब तक वसूली पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक वे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े ने बताया कि चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है तो उनके पास अदेय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके संबंध में हमारे यहाँ धारा 40-92 के अनुरूप या अगर किसी के खिलाफ रिकवरी की राशि आई है, ऐसे सभी पूर्व सरपंचों को एकत्र कर सभी जनपदों को निर्देशित किया गया है कि जिनके ऊपर ऐसी राशि की वसूली शेष है, वो जब तक जमा नहीं हो जाती तब तक इन्हें अदेय प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए। राशि जमा होने के बाद ही इन्हें अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जाए। साथ ही प्रत्याशियों के संबंध में किसी हाई कोर्ट में या फिर किसी कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा हो, अगर उसमें कोई स्टे नहीं है तो अनिवार्य रूप से वो राशि उन्हें जमा करनी होगी। प्रस्तुत है जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े से प्राप्त जानकारी के अंश। 196 पंचायतों के निर्वाचित को लेकर कुछ आदेश जारी किए, क्या आदेश है, किस तरीके से? अभी चुनाव में किसी भी अभ्यर्थी को अगर लड़ना है तो उनको अदेय प्रमाण पत्र उनके पास होना ज़रूरी है। इसके संबंध में जो हमारे पास धारा 40-92 के अनुरूप या अगर किसी के खिलाफ रिकवरी की राशि आई है, ऐसे सभी सरपंचों को एकत्रित किया गया है और सभी जनपदों को ये निर्देशित किया गया है कि जिनके ऊपर जो राशि वसूली है वो राशि जब तक जमा नहीं होगी तब तक इनको अदेय प्रमाण पत्र जारी ना किया जाए और जब ये राशि जमा करें उसके बाद ही गुण दोषों के आधार पर इनको अदेय प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और अगर इनके संबंध में किसी हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो उसमें अगर कोई स्टे नहीं है तो अनिवार्य रूप से वो राशि जमा उनको करनी होगी। कितनी ऐसी राशि होगी सर? सरपंच हमारे कुल 196 सरपंच है जिनके ऊपर ये राशि वसूली है। राशि की कुल मात्रा अभी हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन 196 सरपंच इसमें अभी जुड़े हुए हैं। 2014 में भी जिसके ऊपर राशि वसूली थी, जो जिन्होंने 2014 में चुनाव नहीं लड़ा है क्योंकि वो शायद सीट पुरुष से महिला हो जाती है तो चुनाव नहीं लड़ते, वो भी उनके ऊपर भी अगर जब तक राशि जमा नहीं करेंगे उनको भी लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा।